दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो मोबाइल देख रहे हैं यह है वीवो Y83। इस मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 ठीक है। दोस्तों आज इस मोबाइल का जो है हम FRP अनलॉक करेंगे हाथ से ठीक है, बिना किसी बॉक्स के ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे हाथ से बाईपास करने के लिए आपको पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ इस मोबाइल को सेटअप करके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मोबाइल के अंदर में जो है गूगल अकाउंट लॉक जो है मांगा जा रहा है। चलिए हम फटाफट आपको सेटअप करके यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मोबाइल के अंदर में जो है गूगल अकाउंट जो है साइन इन मांगा जा रहा है। चलिए हम इसे बैक करते हैं, वापस आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको जो दो बार क्लिक करना है। उसके बाद नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है। दूसरे मोबाइल से आपको इस मोबाइल के अंदर में जो है इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। और जब आप इंटरनेट कनेक्ट कर देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये डिवाइस जो है वाईफाई से कनेक्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप कर देना है ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे उंगली रखेंगे आप। उसके बाद आपको साइड में यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। आपको यहाँ पे जो डायरेक्ट जो है गूगल पर जाना है आपको ठीक है। आप गूगल टाइप करके भी गूगल पे आ सकते हैं। तो जैसे आप गूगल पर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एल लंचर टाइप करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में एल लंचर मैंने पहले टाइप किया था, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये एल लंचर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो दोस्तों जैसे आप एल लंचर यहाँ पे टाइप करेंगे, नीचे में आपको यहाँ पे जो है लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल लंचर, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा नजदीक करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में एल लंचर लिखा हुआ है ठीक है। तो 1.8 ये आपको जो है डाउनलोड करना है इस मोबाइल के अंदर में। और जैसे आप एल लंचर पर क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली एल लंचर जो APK जो है ये सॉफ्टवेयर जो है आपके जो मोबाइल में जो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड होकर के कहाँ जा रहा है इसे देखने के लिए आप जो है यहाँ पे नीचे में आप देख रहे हैं, सबसे नीचे में यहाँ पे जो होम की है, होम की के बगल में यहाँ पे जो लाइन है इस लाइन पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे इस डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एल लंचर डाउनलोड हो चुका है, इसे आपको सिंपली इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल को जो है बाईपास करना बहुत ही आसान है। और ये वीडियो जो है 5 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो को पूरी तरह से आप अच्छी तरह से इत्मीनान से देखें और आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आप इस मोबाइल का बाईपास कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं मोबाइल के अंदर में आ चुका हूँ। और उसके बाद इसके फाइल मैनेजर में मैंने फाइल डाल दिया है FRP बाईपास फाइल ठीक है। तो इस फाइल की लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड करके आप इस फाइल को SD कार्ड में डाल करके आप मोबाइल में लगा सकते हैं। और SD कार्ड की मदद से जो है आप इस फाइल को जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल है ठीक है, इसे मैंने इंटरनल मेमोरी में डाला है। आप SD कार्ड में डाल करके जो है इस फाइल को जो है यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर वाला इंस्टॉल करना है और इस फाइल की लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले ऊपर वाला आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको नीचे वाला जो है आपको इंस्टॉल करना है। ऊपर वाला हमने कर दिया, चलिए हम आपको नीचे वाला इंस्टॉल करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे वाला भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे ओपन पे हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे जो है ऊपर 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, ब्राउजर साइन इन पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी email ID डाल करके जो है इस मोबाइल को बाईपास कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ पे कि किस तरह से इस मोबाइल को हम जो है किसी अदर email ID से इस मोबाइल का बाईपास कर सकते हैं। चलिए हम फटाफट यहाँ पे आपको email ID डाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो अकाउंट जो है ले चुका है, चलिए हम आपको बैक करके आपको दिखाते हैं सेटिंग में जाकर के। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेटिंग में जाने के बाद हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि जो अकाउंट अभी हमने यहाँ पे डाला था वो अकाउंट जो है ये डिवाइस जो है एक्सेप्ट कर चुका है। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं अकाउंट पे क्लिक करके, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अकाउंट मैंने जो डाला था वो अकाउंट Gmail ID यहाँ पे ले चुका है। ये मोबाइल 100% हमारा जो है बाईपास हो चुका है। अब इस मोबाइल को हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस मोबाइल को हमें रिस्टार्ट करना है और रिस्टार्ट करके इसे जो है इसे सेटअप कर देना है इस मोबाइल को ठीक है। चलिए फटाफट इस मोबाइल को रिस्टार्ट करके फटाफट आपको यहाँ पे इसका सेटअप करके दिखाते हैं कि इस मोबाइल का जो है बाईपास हो चुका है। तो दोस्तों चलिए फटाफट हम आपको सेटअप करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे मोबाइल में देख सकते हैं कि ये मोबाइल को मैंने फिर से जो है रिस्टार्ट किया, उसके बाद ये मोबाइल अभी ऑन होगा। ऑन होने के बाद इसका हम सेटअप करेंगे फटाफट। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका हम फटाफट सेटअप कर रहे हैं। उसके बाद ये मोबाइल जो है 100% जो है अनलॉक
हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।